सर से 2023 भाई, जो मैंने आपको गैस पेपर दिया था, पास पेपर दिया था, पूरा उसी में से आया है। विच US प्रेजिडेंट इज ओनली टू हैव रिजाइन रिचर्ड निक्सन वाटर गेट स्कैंडल की वजह से। नेम द ऑथर ऑफ रिपब्लिक, ये सवाल दो बार आया था पेपर में। प्लूटो यानी अफलातून। इन्वेंटेड पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ कोर्स, अब इंडिया बन गई है, पाकिस्तान भी 5वें नंबर पे आ गया है। नेम ऑफ द ऑथर, मतलब बुद्धिज्म के बानी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। फिर इस्लामिक मंथ जो मुहर्रम के बाद आता है जनाब, सफर आता है। तैन पी साहब कौन थे, बड़े मशहूर हिस्टोरियन थे। फ्लैग ऑफ विच मुस्लिम कंट्री इज रेड वाइट ग्रेस्क एंड मून एंड स्टार, तुर्की का। फिर परमानेंट सेक्रेटरी OIC की, देखो जद्दा में, और 57 कंट्रीज़ हैं। अरब लीग की कायरो में और 22 कंट्री है। स्कॉटलैंड, देखें लैंड ऑफ केक्स होता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं था तो लेग्स को ही टिक कर दिया, सही किया। फिर ज़ियारत इज़ फेमस फॉर जुनीबर फॉरेस्ट। फर्स्ट प्रेजिडेंट पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्ज़ा, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। नेटो इस्टेब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949। हेड ऑफिस इसका ब्रसल्स, बेल्जियम के कैपिटल में, और यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस भी कहाँ है बच्चों, ब्रसल्स में ही है, जहन में रखना। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ब्राज़ील, ये भी पेपर में दो दफ़ा आया था सवाल, एक ही पेपर में दो दफ़ा। यूएन इस्टेब्लिश हुई थी जनाब अक्टूबर 1945, और शुरू में 51 कंट्रीज थी। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को बना था यूएन का मेम्बर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च 1956। बांग्लादेश कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, दूसरा भी 23 मार्च को लेकिन 1962, और तीसरा और मौजूदा 14 अगस्त 1973।